गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 चिड़िया का संसार। इसके लिए कवि हैं निरंकार देव सेवक। इन्होंने इस पाठ में बताया है कि चिड़िया जब जन्म लेती है तो वह एक अंडे के अंदर होती है, और जब वो एक अंडे के अंदर होती है तो उस अंडे को ही अपना संसार मानती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती है तब उसे पता पड़ता है कि उसका असली संसार क्या है। तो आज हम इस चैप्टर में उसके भावनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कहने का अर्थ है कि जब चिड़िया जन्म लेती है, पैदा होने वाली होती है, तो वो एक अंडे के अंदर होती है, और उस अंडे के अंदर रहकर वो यह सोचती है कि ये अंडा ही मेरा पूरा संसार है और मुझे अपना पूरा जीवन इसी में व्यतीत करना है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम आता है तो वो उस अंडे से बाहर निकलती है, और बाहर निकलकर वो क्या देखती है कि वो एक सूखे घोंसले में, जो किससे मिलकर बना होता है, तिनकों से बना होता है, और उस तिनकों के घोंसले में उसे रहना पड़ता है। तो वो समझती है कि मेरा संसार बस इतना ही है, ये जो घोंसला है वो ही मेरा संसार है, उसी में रहकर मुझे अपना सारा जीवन व्यतीत करना है। उसके बाद फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तिनकों से निकलकर वो कहाँ पर आई, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, पेड़ों की कोमल कोमल डालों पर, जब वो एक डाल से दूसरे डाल पर गई, तब उसने समझा कि ना तो अंडा मेरा संसार है ना घोंसला, हम मेरा संसार क्या है, पेड़ों की ये जो शाखें हैं। फिर जब और बड़ी हुई और उसने उड़ना सीखा, उसकी माँ ने उसे उड़ना सिखाया, तो वो जब आसमान में, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब वो खुले आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ी, तब सच में उसकी समझ में आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है और उसका संसार भी इस आसमान के बराबर ही बड़ा है। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर जो इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक, उन्होंने चिड़िया के बचपन से लेकर पूरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में हमें बताया है।